जमीन को लेकर दो पक्षों में हुआ संघर्ष। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत स्थानीय गांव लीली में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। वहीं एक परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के लीली गांव निवासी विश्वेंद्र और उसके परिवार पर 2 बीघा जमीन को लेकर जब वे बाइक से घर जा रहा था तो परिवार के ही दीपचंद गुड्डू और किशन सिंह ने पहले उनकी बाइक को ट्रैक्टर से टक्कर मारी। वहीं लहूलुहान हालत में ही उनके परिवार पर लाठी डंडों और फरसी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इस दौरान विश्वेंद्र, उसकी भाभी मीरा, पत्नी पुष्पा और 12 साल की बेटी मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में रात भर उन्हें बाहर रहना पड़ा क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। कौन सा गांव है, क्या हुआ? लीली। क्या हुआ? मार पीट ट्रैक्टर से मारे ट्रैक्टर के, अभी बात पे गिर गई, फिर फर्सी लाठी उनको दे दी है। इस बात से लेकर खेती पे कौन कौन लोग है? ये सारे लोग है, ये तो कोई 10-15 लोग है, ये तीनों प्राणी। क्या क्या नाम है उनको? मीरा, पुष्पा और विश्वेंद्र, या के नाम मोनिका। अस्पताल भर्ती यही करिए, लक्ष्मण भर्ती कर लिए, फिर वहाँ से रेफर कर दिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो लोग? कौन वो लोग? खेती ना दे। कब्जा किसका है? अब खेत तो हमारा ही है, तीन भाई है, तीन भाई का खेत है, तो खेती कर रही है। गांव लक्ष्मणगढ़ है, लीली गांव है। हमारा आपस में झगड़ा हुआ था, दूसरी पार्टी ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर छंडाया, वहाँ पुलिस पहुंच गई मौके पे। पुलिस पहुंचने के बाद में कि वहाँ हमारे पुलिस ने हमने सरकारी हॉस्पिटल भर्ती करा दिया, सरकारी हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ से हमें रेफर कर दिया गया। हम अलवर आ गए, अलवर में कल हमारे बेस्ट का वहाँ का लगा कर कह दिया घर को जाओ, हमें भर्ती नहीं कर रहे। रात को मरीज परेशान रहा है, उल्टी चक्कर, पर अब भर्ती नहीं कर रहे मरीज। मतलब किशन सिंह गुड्डू, दीपचंद, मुरारी, जमीन विवाद को लेकर के कहते हैं कि हमारी दो बीघा जमीन दाव रखी उन्होंने, और उन्होंने हमारे ऊपर ट्रैक्टर छंडाया, फिर लाठी फरसी से वार करिए। हाँ, बाइक पे थे, मोटरसाइकिल में टक्कर मारी हमारी उन्होंने ट्रैक्टर से, हाँ फरसी से। विश्वेंद्र चौधरी।